हेलो एवरीवन, तो पार्ट टू के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कानून और ए अपने वेडिंग का फोटो शूट करवा रही थी। पात और जेंग भी उनके पास आते हैं और उन दोनों को कंग्रेचुलेसन विश करते हैं, तो वो दोनों उन्हें थैंक यू कहते हैं और फिर सभी मिलकर फ़ोटो शूट करवा लेते हैं। फिर कानून और ए की शादी की रिचुअल्स होने लगती है। पात जेंग से कहता है, क्या आपने भी कभी शादी के बारे में सोचा है? तो जेंग कुछ नहीं बोलता और फिर पास सपना देखने लगता है जैसे उन दोनों की शादी हो रही हो। तभी एक बुके फेंकती है जो सीधे पात के हाथ में आ जाता है, तो पात काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जेंग पास से कहता है, एक दिन हम भी ऐसा ही करेंगे। तो पात यह सुनकर खुश हो जाता है कि जेन उसे शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ जेन भी एक ही वेडिंग में आ चुका था और जब जाग जेन को देखता है तो वह उसके पास आता है और वह उससे कहता है, हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तुम कैसे हो? जेन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने सुना है कि अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं आया? जाप कहता है, नहीं, क्योंकि वह अभी बहुत ज़्यादा बिजी है। जेन कहता है, वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब मुझे एक ही वेडिंग में जाना चाहिए। और यह कहकर जेन वहाँ से चला जाता है। ऊर्जा यह सोचकर दुखी होता है कि जेन ने फिर भी अपने प्यार के बारे में कुछ भी नहीं कहा। दूसरी तरफ ये अपनी वेडिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी बेबी को खिलाने लगती है। भीम भी उसके पास आता है और उसकी बेबी को खिलाने लगता है और कहता है कि मकाम बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये बड़ी होकर एक स्टार बन सकती है। ये कहती है, अगर ये खूबसूरत भी ना होती तो फिर ये अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लेती। भीम कहता है, हाँ, इसकी मम्मी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। और क्या तुम दोनों दूसरे बेबी के बारे में प्लान कर रहे हो? ये कहती है, नहीं, क्योंकि मकाम पूरी रात पर रोती रहती है। तो कानून ने कहा कि उनके लिए एक बच्चा ही काफ़ी है क्योंकि वह रात पर सो नहीं पाता। तभी मकाम रोने लगती है तो एक केयरटेकर को मकाम को दे देती है। भीम इसे कहता है कि कानून तुमसे बहुत प्यार करता है। ये कहती है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर भीम ए को बताने जा रहा होता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन तभी ए भीम से कहती है, तुम यही कहना चाहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मुझे ये सब इसीलिए बता रहे हो क्योंकि तुम कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहते? तो भीम हाँ कहता है। ये कहते हैं, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स ही अच्छे हैं और मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी एक ना एक दिन तुम्हारी ये मिल ही जाएगी। भीम कहता है, मुझे पता है कि मुझे गिव अप करना है क्योंकि जब मुझे पता चला था कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो मुझे बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी फ्रेंडशिप भी ख़राब हो जाए। तो ये कहती है, अगर तुम मुझसे कुछ भी ना कहते तो भी फिर भी मुझे सब कुछ पता था, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स ही अच्छे हैं। तो भीम भी एग्री करता है। अगले दिन जेंग पात को उसके ऑफिस बुलाता है और पात से कहता है, फजूर ने फिर से हमारे साथ कोलैब करने के लिए कहा है और मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा नाम लिया है और वो भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश है। तो पात कहता है, क्या आप श्योर है कि मैं ये कर पाऊँगा? तो जेंग कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम इस पर पहले भी काम कर चुके हो तो तुम इसे आसानी से हैंडल कर लोगे। तो पात गुस्से होकर कहता है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जेंग फिर यहाँ पर पात को बताता है कि उसने एक न्यू मैनेजर ढूँढ लिया है। तो पात दुखी होकर कहता है, क्या आप सच में रिजाइन करने जा रहे हैं? तो जेंग कहता है, और जो मैंने न्यू मैनेजर ढूँढा है वो कोई और नहीं, वो तुम हो। यह सुनकर पात शोक से कहता है, हाँ? जेंग कहता है, लेकिन मैं 3 साल तक यही रहूँगा और तुम्हें हर चीज़ अच्छे से सिखाऊँगा। जेंग फिर पात के नज़दीक आता है और कहता है, और फिर तुम्हारी हर मोमेंट को मैं अच्छे से देखूँगा। जेंग के नज़दीक आने से पात साई फील करने लगता है और फिर पात मन लगाकर उस प्रोजेक्ट पर वर्क करने लगता है। लेकिन तभी ऑफिस की दो लड़कियाँ बातें करने लगती है, जिसमें से एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है पात और मिस्टर जेंग एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। वह कितना ज़्यादा इनोसेंट दिखता है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह अपना काम इस तरीके से कर रहे हैं। तो दूसरी लड़की कहती है
कि मैंने कभी भी मिस्टर जेंग को किसी औरत के साथ नहीं देखा। और तभी वहाँ पर रिंग भी आ जाती है और वह उन दोनों लड़कियों से कहती है कि तुम अपने बॉस को लेकर ही गॉसिप कर रही हो। तो उनमें से एक लड़की कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम तो हमारे साथ कभी गॉसिप करती ही नहीं हो। रिंग कहती है, हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी बॉस की सेक्सुअलिटी को लेकर कोई बात नहीं की है। तो उनमें से एक लड़की रिंग को क्लिप दिखा कर कहती है, ये देखो ये दोनों साथ में कोंडो जा रहे हैं। तो रिंग कहती है, ओ बस इतनी सी बात, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत ही छोटी बात है, तुम लोग अपना काम क्यों नहीं करते। और तभी रिंग भी देखती है कि पात ने भी उनकी बातें सुन ली थी और पात इस सब गॉसिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। दूसरी तरफ कानून जब अपने वर्क कंप्लीट करके घर जा रहा होता है तो वह देखता है कि जाप फोन में जेन के पिक देख रहा था। तो कानून जाप से कहता है कि तुम्हारा तो पेंट बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम अभी भी जेन के बारे में क्यों सोच रहे हो? अगर पेंट को पता चल गया तो उसे कैसा लगेगा? जाप कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए? कानून कहता है, तुम्हें किसी एक को चूज करना चाहिए। और यह कहकर कानून वहाँ से चला जाता है और जब जेन के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन पात और जेन की सीक्रेटली डेटिंग वाली बात सारे ऑफिस में फैल चुकी थी। सभी लोग पात को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि इसने अपने बॉस को सेड्यूस किया, इसने तो इतना अच्छा काम भी नहीं किया था फिर भी इसको प्रमोशन मिल गया। और पात उन सभी चिट्स को रीड कर रहा था तभी वहाँ पर चोत और नान आ जाते हैं और वह पात को परेशान देखकर उन चिट्स को हटाने लगते हैं। चोत पात से कहता है कि तुम इन सब चीज़ों को माइंड मत करो और ना ही उनकी बातों पर ध्यान दो। वहाँ पर यिंग भी आ जाती है और वह पात से कहती है कि ये सब बस वो लिख सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। पात कहता है, क्यों मैं और मिस्टर सिंह एक दूसरे से प्यार करने लगे? क्यों लोग हमें देखकर इतना ज़्यादा जलते हैं? क्या प्यार करना कोई गलत बात है? तो यिंग कहती है कि लोग प्यार करना बंद नहीं कर सकते। बात ये मामला अभी बहुत ही पेचीदा है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहना होगा। बात कहता है कि मैं स्ट्रोंग कैसे रह सकता हूँ? और तभी बात ऑफिस में देखने लगता है, सभी लोग बात की तरफ ही देख रहे थे। तो यिंग बात से कहती है कि वह उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे। दूसरी तरफ वो डायरेक्टर भी जेंग से कहते हैं कि जो अभी पात और उसकी रूमर्स ऑफिस में चल रही है उनके चलते पात को न्यू प्रोजेक्ट नहीं दिया जा सकता। तो जेंग कहता है कि वो बस रूमर्स है। तो बोर्ड मेंबर कहता है कि अक्सर रूमर्स में सच्चाई से ज़्यादा ताकत होती है और बोर्ड मेंबर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। और फिर वह जेंग से कहता है कि तुम जाकर पास से बात करो और अगर तुम डायरेक्टली उससे बात नहीं करना चाहते तो फिर बोर्ड पात को नोटिस भेज देगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर पात के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और इन्हीं रूमर्स के चलते हुए पात भी डिसाइड कर लेता है कि वह अपने डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करा देगा। और जब पात और जेंग साथ में होते हैं तो पात जेंग से कहता है कि लोग हमारी तरफ बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से देखते हैं। जेंग उसका कोई जवाब नहीं देता, वो पात को किस करने लगता है और वह किस करते करते पात के लोअर पार्ट को टच करने लगता है। पात जेंग को रोकते ही कहता है कि मैं ये सब अभी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं। तो फिर जेंग रुक जाता है और पात को हक करके सो जाता है। पात जेंग से कहता है, क्या जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक हम कुछ दिनों के लिए अलग नहीं हो सकते? तो जेंग कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, तो अगर हम लोग ऑफिस के अलावा घर पर तो मिल ही सकते हैं। बात कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करेगा क्योंकि जब हम लोग घर आ रहे थे तब भी लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे। तो जेंग कहता है, तो फिर हम कहीं सेफ जगह चले जाते हैं। बात कहता है कि तुम अब एक फिल्मी हीरो की तरह बात करने लगे हो। जेंग कहता है, तो फिर क्या मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दूँ? फिर हमें अपनी रिलेशनशिप को किसी से छुपाना नहीं पड़ेगा। तो बात कहता है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं। जेंग कहता है, क्या हम लोग इस बारे में बाद में बात करें क्योंकि मैं इस बारे में अभी कुछ भी बात नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ
और यह कहकर जेंग पात को हक करके सो जाता है। लेकिन पात के माइंड में तो अभी भी वो रूमर्स ही चल रहे थे। वो पात को नींद नहीं आ रही होती। तभी वह देखता है कि किंग ने उसके पास क्लिप भेजी है और कहा है कि ये क्लिप अब सारे ऑफिस में फैल चुकी है। वो सभी लोग उस क्लिप को देखकर कमेंट करने लगते हैं। तो फिर पात वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जेंग पात का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि पात काफ़ी देर से ऑफिस नहीं आया था। तभी एक एम्प्लॉय आकर जेंग को बताती है कि पात ने रिजाइन कर दिया। जेंग कहता है लेकिन मैंने अभी इसे अप्रूव नहीं किया। तो वह एम्प्लॉय कहती है कि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल लेटर पर साइन कर दिया। जेंग पात के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि पात ने इस बारे में जेंग से कोई भी बात नहीं की थी। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि पात और जेंग का रिश्ता किस तरीके से मोड़ लेते हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से और अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।